आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। पार्ट वन वीडियो में कविता का सार या मूल भाव या केंद्रीय भाव को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट टू वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए जीवन का झरना शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता जीवन दर्शन पर आधारित सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव जीवन की तुलना झरने से की है तथा मनुष्य को झरने के जीवन से कुछ सीख भी दी है। जीवन का झरना सरसक एक रूपक है। जीवन वास्तव में क्या है? कवि ने जीवन का झरना सरसक कविता में झरने के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है, अर्थात कवि ने मनुष्य के जीवन को झरने के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने जहां एक ओर झरने की विशेषताएं बतलाई है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन की तुलना झरने से करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए हैं तथा यह बतलाया है कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप व छांव की तरह दोनों ही आते जाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य रूपी झरने के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं तथा उन्हें भी इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए बहना पड़ता है। अतः मनुष्य मात्र को जीवन जीने के लिए झरने से संदेश प्राप्त करना चाहिए। सच तो यह है कि सुख दुख जीवन के दो किनारे हैं, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए मानव मात्र को जीवन जीना चाहिए। कवि ने मानव जीवन की तुलना झरने से की है। आइए अब मैं एक छोटी सी भूमिका देने के बाद इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। इस कविता में कुल 8 स्टैंजा हैं। प्रत्येक स्टैंजा दो दो पंक्ति की है, इसलिए मैंने दो दो पंक्ति की व्याख्या एक एक स्टैंजा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत की है। शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करता हूँ। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं इस कविता में कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा कठिन शब्दों के अर्थ
शब्दार्थ निर्झर यानी झरना, मस्ती यानी भोग विलास या उमंग या उत्साह या जोश या आनंद, पानी यानी इज्जत या सम्मान, तीरों यानी किनारों, मनमानी यानी अपने मन के अनुसार, गिरी यानी पर्वत, अंतर यानी अंतस्थल या हृदय, अंचल यानी प्रदेश, घाटी यानी दो पर्वतों के बीच की भूमि, समतल यानी समान भूमि, रोड़ा यानी चट्टान या रुकावट या बाधा, जग दुर्दिन यानी संसार रूपी नर्क, मदमाता यानी नशे में चूर होना। पहली पंक्ति, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। आइए अब संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ जीवन का झरना नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह छायावाद के एक प्रसिद्ध कवि हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जहां एक ओर झरने की विशेषताएं बतलाई है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन की तुलना झरने से करते हुए कई महत्वपूर्ण संदेश भी दिए हैं तथा यह बताया है कि मनुष्य का जीवन बिल्कुल झरने के समान होता है। जिस प्रकार झरना सदैव आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी सदैव झरने के समान आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप व छांव की तरह दोनों ही क्रम से आते जाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मानव रूपी झरने के जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं और उन्हें भी मनुष्य के जीवन की भांति इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए बहना पड़ता है। सुख दुख दरअसल जीवन के दो किनारे हैं, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य रखते हुए मानव मात्र को जीवन जीना चाहिए। अतः हमारा जीवन बिल्कुल झरने के समान है। व्याख्या, पहली पंक्ति, यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कवि लगता है एक प्रश्न कर रहा है। कवि का प्रश्न है कि यह जीवन क्या है? कवि स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीवन एक निर्झर यानी झरना है। इस जीवन रूपी झरने का पानी असल में उसकी मस्ती है, अर्थात झरने का पानी भोग विलास उमंग उत्साह जोश व आनंद है, यानी कल कल छल छल उछल कूद इसकी विशेषता है। अगली पंक्ति देखिए, सुख दुख के दोनों तीरों से
चल रहा मनमानी है। यहां कवि कहते हैं कि सुख और दुख इस जीवन रूपी झरने के दो किनारे हैं। इन दोनों किनारों के बीच यह जीवन रूपी झरना मनमाने ढंग से सदैव अपनी राह पर चलता रहा है और चलता रहता है। कहने का यह आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में भी झरने की तरह सुख और दुख निरंतर आते जाते रहते हैं और इसी क्रम में मनुष्य जीवन बिताता चला जाता है। अतः हमें झरने की तरह सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए, कब फूटा गिरी के अंतर में, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। यहां पर कवि झरने की विशेषता को बताता है, यानी कवि आगे झरने की उत्पत्ति के संबंध में कहते हैं कि झरना पर्वत के हृदय स्थल यानी अंतःस्थल से फूटता है, यानी झरने का जन्म पहाड़ के ऊपरी सिरे में होता है, तत्पश्चात विभिन्न अंचलों यानी प्रदेशों को पार करते हुए वह नीचे उतरता है, अर्थात विभिन्न घाटियों में बहता हुआ समतल यानी मैदानी क्षेत्र में आकर झरना बहने लगता है। अगली पंक्ति देखिए, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। कहने का अभिप्राय यह है कि झरने का जन्म चाहे जहां से भी हो, अर्थात पर्वत के किसी भी क्षेत्र से हो, उसे आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, आगे बढ़ना उसके जीवन का उद्देश्य होता है। झरने की भांति मनुष्य भी अपने माता पिता से यह अनमोल जीवन प्राप्त करता है। झरने की तरह मनुष्य भी जीवन के उतार चढ़ाव को झेलते हुए अपने कठिन प्रयास से अपने जीवन को समतल राह पर ले आता है। यानी यहां कहने का आशय यह है कि व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, विवाह विषयक अपनी समस्याओं तथा माता पिता और संतान विषयक अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, अर्थात वह भी जीवन पथ में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहता है। अगली पंक्ति देखिए, निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ है चलने की, अपने मस्ती में गाता है। व्याख्या, कवि झरने की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि जीवन रूपी झरने में एक गतिशीलता है, अल्हड़पन है, उसमें यौवन है, उसमें यौवन जैसा एक उन्माद है, एक जोश है, वह अपने धुन का पक्का है, वह अपने मद में सदैव मस्त रहता है। यानी झरने की सबसे बड़ी विशेषता उसकी गतिशीलता है। गतिशील होने के कारण ही वह सदैव आगे बढ़ता रहता है। यानी रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की परवाह न करते हुए वह केवल
आगे बढ़ता रहता है एवं अपने में मस्त रहता है। अगली पंक्ति देखिए, धुन सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। पंक्ति बहुत ही सरल है, अतः अर्थ भी बहुत ही सरल है, यानी आगे बढ़ते रहना ही इस जीवन रूपी झरने की धुन होती है और यह अपनी मस्ती में कलकल छल छल करते हुए सदैव आगे बढ़ता रहता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य का जीवन रूपी झरना कभी भी रुकता नहीं है, वह सदैव आगे बढ़ता रहता है। एकमात्र मनुष्य ही कभी कभी अपने आप को असहाय समझकर जीवन प्रवाह में बहते रहता है। अगली पंक्ति देखिए, बाधा की रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। व्याख्या, यानी कवि आगे कहते हैं कि झरने की राह में यदि पत्थरों के रूप में बाधाएं आ जाती है तो वह कभी भी घबराता नहीं है और न ही आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, बल्कि वह दोगुने बल से उनसे लड़ता है। राह में आए हुए जंगल के पेड़ों से टकराता है और आगे बढ़ जाता है। अगली पंक्ति देखिए, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता, यानी आगे बढ़ते हुए झरना चट्टानों पर चढ़ जाता है। वह अपने यौवन के मद में चूर होकर आगे बढ़ता रहता है। कहने का यह आशय यह है कि प्रत्येक मनुष्य को झरने से शिक्षा लेनी चाहिए। युवावस्था में यदि जीवन में बाधाएं आती है, कठिनाइयां आती है, तो बेशक आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य उनसे संघर्ष करता है और जीवन में ऊंचाइयों यानी लक्ष्य को प्राप्त करता है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को जीवन में आने वाली बाधाओं या कठिनाइयों को देखकर कभी भी डरना नहीं चाहिए, न ही कभी भी घबराना चाहिए, बल्कि उससे संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। व्याख्या, यानी कवि आगे झरने की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि जब झरना आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए अंत में समुद्र में मिल जाता है, तो झरने में छोटी बड़ी अनेक लहरें उठती है, लहरें गिरती है। कई बार नाविक समुद्र की भयंकरता और विकरालता को देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, यानी आगे बढ़ने से वह डर जाता है। कुछ देर के लिए वह अवश्य ही भयभीत हो जाता है, परंतु वह भी अंत में अपने पतवार को संबल बनाकर आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ जाता है और अंत में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। अगली पंक्ति देखिए, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। अर्थात उसी तरह झरना भी अपने यौवन में मदमस्त होकर
निरंतर आगे बढ़ता रहता है। बढ़ना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में युवावस्था आती है, ढल जाती है, समय रहते अपने कर्तव्यों को पूरा न कर पाने वाला यानी अपने जीवन का स्वामी मनुष्य अपनी उपलब्धियों और अनुपलब्धियों को देखकर पछताता रह जाता है, क्योंकि जीवन तो बहुत आगे निकल चुका होता है। जीवन किसी के लिए क्षण मात्र के लिए भी नहीं रुकता है। अतः मनुष्य को भी झरने से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य एक दिन लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अब अगली पंक्ति देखिए, निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। व्याख्या, कवि आगे जीवन की सार्थकता को बतलाते हुए कहते हैं कि झरने की गति यानी उसका बहते रहना ही झरने का जीवन होता है। जिस दिन झरने की गति यानी बहना रुक जाएगा यानी झरना जिस दिन आगे बढ़ना छोड़ देगा, उस दिन झरने का अस्तित्व एक तरह से समाप्त हो जाएगा। अब अगली पंक्ति देखिए, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। यानी कवि झरने की तुलना मानव से करते हैं और कहते हैं कि झरने की तरह मनुष्य के जीवन में गति यानी उसका कर्म करते रहना ही उसका जीवन है। जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए, तभी उसे जीवन में मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। जिस दिन मनुष्य अपना कर्म करना छोड़ देगा, अपने कर्तव्य से एक तरह से मुख मोड़ लेगा या अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा, उस दिन वह अपने लक्ष्य से कोसों दूर चला जाएगा। उस दिन मनुष्य जीवित रहते हुए वह एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाएगा। एक बार फिर पढ़ता हूँ, उस दिन मर जाएगा मानव जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। यानी इस संसार रूपी नरक में घड़ियां दिन रात गिन गिन कर मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। अतः यदि झरने में गतिशीलता का गुण है तो मनुष्य में भी गतिशीलता का गुण होना चाहिए, तभी वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगली पंक्ति देखिए, निर्झर कहता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर। व्याख्या, यानी कवि आगे जीवन की सार्थकता को बतलाते हुए कहते हैं कि झरना निरंतर आगे बढ़ते रहता है, वह कभी भी पीछे लौटता नहीं है। उसे अपना लक्ष्य यानी सागर या नदी प्राप्त करना होता है। उसे अपना लक्ष्य यानी सागर या नदी प्राप्त होगा या नहीं, वह कभी भी इस विषय पर विचार नहीं करता है। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जाता है और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह कभी भी पीछे मुड़कर देखता नहीं है, वह कभी भी इसकी परवाह नहीं करता है।
वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। निरंतर आगे बढ़ता हुआ झरना हमसे यही कहता है कि जीवन में केवल आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो कि तुमने क्या खोया है, कि तुमने क्या पाया है। अगली पंक्ति देखिए, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। यानी संभवतः यौवन हमें यही संदेश देता है, सदैव आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से तुमको क्या मिलेगा या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम इसकी बिल्कुल परवाह मत करो। कभी यह मत सोचो कि चलने से क्या लाभ, चलने से हमें क्या मिलेगा, यह सोचकर तुम आगे बढ़ना मत छोड़ दो या मत छोड़ो। तुम केवल आगे बढ़ो, तुम्हारे प्रयास से ही तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें अवश्य ही एक दिन प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इस कविता की अंतिम स्टैंजा पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करता हूँ। अंतिम स्टैंजा, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर या झर कर कहता है। अच्छा, यानी कवि अंत में जीवन की सार्थकता को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार झरना पर्वत से झर कर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहता हुआ झरना हमसे यही कहता है कि गति ही जीवन है, जीवन चलते ही रहता है, जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगली पंक्ति देखिए, मर जाना है रुक जाना ही निर्झर या झर कर कहता है। पंक्ति बहुत ही सरल है, अतः अर्थ भी बहुत ही सरल है। अर्थात जीवन में रुक जाना ही एक तरह की मृत्यु है, जीवन की समाप्ति है। अतः हमें सदैव कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहने का यह आशय यह है कि जीवन निरंतर आगे बढ़ता जाता है, वह कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, वह किसी के रोकने से भी रुकता नहीं है। अतः ईश्वर ने मनुष्य को जो जीवन दिया है उसमें ही मनुष्य को चलना है, केवल आगे बढ़ते रहना है और निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। हमें सदैव अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी जिस दिन मनुष्य चलना या कर्म करना छोड़ देता है या छोड़ देगा, उस दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है या उसका जीवन एक तरह से समाप्त हो जाएगा। वह जीवित तो रहेगा, लेकिन जीवित रहते हुए भी वह मृत प्राय हो जाएगा। झरना बहकर हमें यही संदेश देता है। अतः जीवन का झरना कविता हमें संदेश देती है निरंतर आगे बढ़ते रहना, निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन है, गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। जिस दिन मनुष्य के जीवन से यह गतिशीलता समाप्त हो जाएगी या मनुष्य कर्म करना छोड़ देगा, उस दिन मनुष्य जीवित रहते हुए भी मनुष्य अस्तित्वहीन हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार झरना कठिन से कठिन परिस्थितियों में निरंतर गतिशील बने रहता है, ठीक उसी तरह मनुष्य को भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर गतिशील बने रहना चाहिए।
उसे कभी भी आगे की परवाह नहीं करनी चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। अतः प्रत्येक मनुष्य को जीवन के झरने से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को गतिशील बनाना चाहिए। सदैव कर्म करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए। कर्म ही जीवन है, कर्म ही पूजा है। अतः निरंतर बहता हुआ झरना हमें यही संदेश देता है कि जीवन में लगातार कर्म करते रहो, क्योंकि गतिशीलता यानी कर्म करते रहना ही जीवन है। कवि ने जीवन का झरना सरसक कविता के माध्यम से हमें यही समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे, साथ ही साथ कविता का सार और उद्देश्य भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है, यह एक एडुकेशनल वीडियो है। यदि आपको मेरे वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप साफ कमेंट्स करें और मेरी गलतियों को बतलाएं, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अतएव लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।